तो कैसे आप सब वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे आ चुके एक और दिन के साथ वापस। और गाइस आज हम खेल रहे BGMI और भाई GTA 5 का वीडियो कल आ चुका है। तो भाई जिसने भी नहीं देखा ना तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैंने देख लो। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं नया वाला मोड क्यों नहीं खेल रहा हूँ, तो देखो भाई मैंने सोचा कि भाई आज थोड़ा बहुत पुराने वाले ड्रेस पे चला जाए, पुराने वाले एंगल पे चला जाए, क्योंकि भाई नया तो आ जाता है पर तो भाई जो पुराना वाला है ना भाई उसको खेलने का कभी कभार मन कर देता है। तो हमने सोचा कि चलो एक गेम रेंगल का भी डाल देते हैं और भाई अपडेट वाला तो हमेशा खेलते रहेंगे जब तक रहेगा। और गाइस हम लोग आए हैं मिलिट्री बस और भाई उतरते ही बस शॉर्ट गन ही मिले जा रहा है, मतलब भाई गन तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे। और ये देखो मॉली पड़ा है भाई, 4x ले लेता हूँ मैं, ये भी ले लेता हूँ। बट एक सेकेंड भाई ये कहाँ से आया, ये बंदा भाई आसमान से टपका और भाई मेरे शॉटगन के आगे आकर भाई दिख गया। और भाई मैंने इसको 4x लाकर मारा बट नॉक नहीं हुआ। फिर भी भाई इसका लैंडिंग इतना धीरे कैसे हो सकता है यार, जी नहीं मारेंगे नहीं इसको। जो कंधे पे उठाकर लाते हैं और इस कंधे को भाई कंधे पे उठाकर लाएंगे और इसको अंधे का सेट कराएंगे, ठीक है, कुछ दिखेगा नहीं। और भाई तुम्हारे मित्र कहाँ है बताओ जरा, ऑल पे माइक कर लेते देखते कुछ बंदा बोलता है या नहीं। मेरे देखने से शायद ये ऑफलाइन आ रहे। रोहित मत मारो यार, इसके मित्र को आ जाने दो, फिर हम दोनों मित्र को भी मारेंगे इसको। अरे रुक जाओ भाई, कहा है मार। और गाइस अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना अभी मैप में सामने से फायरिंग आया, तो चलते देखते हैं भाई आखिर सामने की तरफ थे कौन। Watch out. और मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, तभी आप लोगों को बंदा दिख चुका होगा सामने। के मैंने इसको डैमेज दिया बट भाई सामने वाला जो घर है इसमें से भी मुझे किसी का साउंड आ रहा, तो सामने सबसे पहले मॉली कर देते हैं। और भाई ये भाई कैसे है, दूसरे बंदे हैं क्या? ओ भाई कितना डैमेज दिया यार मैंने। गाइस मुझे लगा कि भाई ये जो बंदे हो भाई उनके मित्र हैं जो ऑफलाइन हुए थे, लेकिन भाई नहीं ये एक दूसरी टीम थे। और भाई यहाँ पे हम बिल्कुल मरते मरते बचे भाई, मुझे तो लगा कि भाई यहीं पे गेम खत्म होने वाला है, बट कोई ना, यहाँ पे करते हैं सबसे पहले हीलिंग। और जब हम लोग फाइट ले रहे थे भाई तभी सामने से पीछे से मतलब सी बिल्डिंग से फायरिंग आ रहा था, तभी ये देखो टावर पे बंदा दिखा। और भाई साहब बंदे कितना आए यार मिलिट्री बस में उतरते समय, भाई कोई दिखा ही नहीं हमें, अचानक से पता नहीं इतने सारे बंदे आ कहां से गए मुझे समझ नहीं आ रहा। फिलहाल टावर वाले पे फोकस करते हैं। ओके ये थोड़ा सा दिख रहा है, बट भाई ये ग्रिल के कवर में जा चुका है तो भाई इसको छोड़ते। और गाइस सी बिल्डिंग वाले पे करते हैं डायरेक्ट रस, वेस्ट ले लेंगे मैं एक सेकंड पहले। हाँ तो अब करते हैं गाइस सी बिल्डिंग वाले पे रस, क्योंकि भाई ये अकेले और टावर वाला भी अकेले है तो इसको अकेले अकेले करके एकदम इजी आराम से मार देंगे। और भाई मैं यहाँ पे आया तभी मुझे सामने वाले सी बिल्डिंग में से साउंड आ रहा है, तो चलते हैं सबसे पहले सामने वाले सी बिल्डिंग में। और साउंड मुझे यहीं से आसपास से आ रहा, तो खींचते नेट का पिन। भाई ये बंदा राइट लेफ्ट किए गया है, लेफ्ट में फेंक देता हूं मैं, बट नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो सामने का है भाई उसी के अंदर बंदे जाकर बैठे हैं, तो घुस कर मारते हैं इसको। और यही टीपी वाले थे, बहुत रंगबाजी दिखा रहे थे समझ लो ना, वहां से फेंक लिए जब मतलब सामने वाले घर पे से, भाई क्या ही दर्दनाक स्प्रे दिया लेकिन एक भी गोली चिपका नहीं। तो चलते अब टाइम है भाई टावर वाले को मारने के लिए, तो चलते हम और रोहित और भाई टावर वाले को लपेटते हैं सबसे पहले। ये देखो वेक्टर से बोट फायर कर रहा है, हम यहाँ पे आते हैं बट ये दिख नहीं रहा है। और तभी नीचे से बोट फायर, तो मैं सामने देखता हूँ लेकिन रोहित बोलता है भाई बंदा नीचे है। और भाई ये M249 नहीं, रोहित कितना बड़ा किल्चर है यार भाई, जो M249 वाला बंदा था भाई उसको रोहित ने मार दिया। हालांकि मैंने डैमेज बहुत सारा दिया बट रोहित का एक दो एमओ ही पड़ा और भाई वो बंदा जो है खत्म हो चुका है। तो चलते हैं सामने लूट लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं भाई, अभी जोन भी कर चुका है और गाइस हमें यहाँ से मिल चुका है इमरजेंसी किट, तो भाई इसका यूज करते हैं और चलते हैं जल्दी से जोन में, क्योंकि भाई
बहुत दिनों बाद मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो भाई मजा बहुत आने वाला है, तब तक लूट लेते हैं। और गाइस फाइनली अपने इमरजेंसी किट एक्टिव हो चुका है और हम आ चुके हैं मतलब जोन के अंदर जा रहे हैं। और ये देखो भाई ये व्यू देखो कितना ओपी है भाई, मतलब गाइस आप लोग कमेंट बताइए कि ये वाला व्यू आपको कैसा लगा। और गाइस हम लोग डिसाइड करते हैं भाई हम अपार्टमेंट जाएंगे, अपार्टमेंट स्कूल में सीधी सी बात है भाई वहाँ पे बंदे रहते हैं। और गाइस ये देखो भाई बहुत दिनों बाद ये नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है, तो भाई कसम से मजा बहुत आ रहा है। और अपडेट वाले में भी कहीं कहीं ऐसा मतलब नज़ारा देखने को मिलता है, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं देखने को मिलता है, तो ये चीज़ बहुत सही है भाई। यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरटेन भी हो चुका है हमारा, तो चलते हैं नीचे और देखते हैं भाई स्कूल अपार्टमेंट में आखिरकार बनते हैं भी या नहीं। और भाई तभी मुझे पहाड़ी पे एक गाड़ी दिख चुकी है गाइस, आपको भी दिखी होगी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। मैं डिसाइड करता हूँ भाई डायरेक्ट पहाड़ी पे चलते हैं, तब तक भाई ये बंदे नीचे जा चुके थे, बताओ यार मतलब हमने भाई इनके लिए ऊपर है और ये नीचे चले गए। कोई दिक्कत नहीं रोहित, आ जाओ ऊपर आराम से लैंडिंग कर लो और इनको मारेंगे बोट रू फायर करके। एक बार बोट फायर कर देते हैं, अगर ये ऊपर आए तो ठीक है, नहीं तो भाई जैसे आएंगे वैसे मार देंगे। इस बंदे को कितना डैमेज दिया यार, बट एक कवर में जा चुका। और भाई ये बंदा सच्ची में मतलब एक दो एमओ लगता है ये नॉक हो जाता लेकिन बच चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामने से भी रश कर सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता किसी से। और आप सबको पता ही है मैं रश करूँ और मुझे कोई नॉक कर दे, हुआ नहीं आज तक। और तभी पीछे से भाई बोट फायर, ये बोट कब से लेट कर मारने लगे यार, मतलब हद। और भाई मेरा गन सिंगल पे, तभी गाइस मतलब मैं जैसे भाई गन सिंगल से ऑटो पे करने वाला था, तभी भाई मौके का फायदा उठाते हुए इस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। तो भाई अब देखना ये है कि ये रोहित यहाँ पे हमें बचा पाते हैं या फिर नहीं। तो भाई ये मतलब मैच यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई खत्म ना हो जाए, डर लग रहा है थोड़ा बहुत, देखते हैं रोहित बचा पाते हैं कि नहीं। भाई रोहित आ जाओ यार ओपन से, अगर रोहित आता है तो भाई ऊपर से वो बंदा मार भी देगा, लेकिन भाई देखिएगा इस नॉक का बदला मैं कैसे लूंगा उस बंदे से। बस एक बार मुझे रिवाइव होने दीजिए, मैं भाई रोहित आ रहा है बस कवर में आई गई हो भाई, एकदम नेट फेंक कर रोहित ने उसको डरा दिया। और भाई फाइनली मुझे यहाँ पे रिवाइव मिल रहा है। और वो देखो भाई सामने रुको बेटा तुम रिवाइव हो जाने दो, और भाई रिवाइव होते ही मैंने अपना बदला ले लिया। तो गाइस कैसा लगा ये वाला शॉट आपको भाई, अगर अच्छा लगा ना तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और भाई तभी सामने घर में बंदा दिख रहा मुझे, देखो गाइस कोई चीटिंग नहीं करेगा, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ भाई आपको ये वाला बदला कैसा लगा। फिलहाल एक मेरे फ्रेंड का रिमाइंडर है, एक्सेप्ट कर लेते और चलते हैं छत पे लूटने। और छत पे भाई लूट रहे थे तभी ये बग्गी वाला आया और भाई साहब क्रिस्पन के उड़कर चला गया, बताओ मतलब हद है भाई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रोहित बोल रहा है कि बंदा सामने है तो नेट मारते हैं घर में। भाई भाई मुझे करेक्ट लोकेशन नहीं पता चल रहा, और भाई अभी मुझे साउंड आ चुका है बंदा सामने ही है, फेंकते हैं घर में नेट। और भाई नहीं ये बंदा बच चुका है। अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, तो लो एक प्यारा से नेट खा लो तुम। और देखते हैं भाई इससे भी फटता है कि नहीं। और भाई ये बंदा उस नेट से बच गया और ये आ चुका है छत के ऊपर। दिमाग में एक एकदम फैंटास्टिक आइडिया चल रहा है भाई, मैं फेंक देता हूँ मॉली वहां पे, देखते हैं भाई इस मॉली से कुछ होता है कि नहीं। बट नहीं भाई मेरा जो मॉली है वो भाई छत के जो टेरेस है उसको ऊपर जाकर अटक चुका है। तो अब रोहित फेंक रहे हैं मॉली, और आप लोग को पता ही है रोहित का भाई नेटबाजी और भाई ये सब आम बात है, तो देखते हैं क्या होता है गाइस। और भाई ये देखो रोहित ने मौली से उस बंदे को मार दिया, तो भाई साहब बंदे के अंदर ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना कूट कूट के बड़ा है। और गाड़ी लेकर गाइस हम यहाँ से निकल जाते हैं। और भाई कमेंट बताइए कि आपको ये वाला मौली कैसा लगा भाई, रोहित के लिए कमेंट तो बनता है। और हम यहाँ पे स्क्वायर हाउस के पास आए, तभी भाई मुझे दिख चुके हैं स्क्वायर हाउस में बंदे।
तो भाई हम लोग गाड़ी रोक देते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट जाएंगे तो भाई वो बंदे हमें मार भी सकते हैं, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का भाई। एकदम अच्छा खासा गेम प्ले चल रहा है। अरे हमको भी देख लो यार तुम लोग, जब देखो तब भाई ये रोहित को मारने में ही लगे हैं, मतलब भाई हद होता है यार। लेकिन एक सेकंड भाई, पीछे से किसका साउंड आ रहा है मुझे, भाई पीछे कौन आ गया? ओ भाई अच्छा होगा कि ये बोर्ड था भाई, अगर ये बंदा होता ना यहाँ पे, मैं सच बता रहा हूँ भाई, आता और हमको रोहित को मारता और खत्म करता भाई। लेकिन जो भी ये बोर्ड पानी में से पार करके आ चुका, और लेकिन नहीं यार रोहित यहाँ पे कैसे नॉक हो गया भाई, नहीं यही गलती नहीं करना था यहाँ पे भाई साहब। मैं रिवाइव देता हूँ रोहित को भाई, मुझे ऐसा फील हो रहा है बंदे अब हमारे ऊपर डायरेक्ट ट्रस्ट करेंगे, बस वो स्मोक के बीच से गाड़ी ना निकाल दे, नहीं तो भाई पूरा का पूरा गेम यहाँ पे खत्म होगा। और भाई बंदे आ चुके हैं और तभी साउंड, इनको मैंने नॉक किया। और भाई फाइनली यहाँ पे कैसे भी करके हम बच चुके हैं। अच्छा वो भाई रोहित ने, रोहित को उस बंदे ने नहीं देखा और भाई मरते मरते बचे हमें यहाँ पे, तो रिवाइव होते हैं। और भाई जोन भी आने वाला है तो जल्दी से यहाँ पे रिवाइव होकर हीलिंग करेंगे। और भाई एक बोर्ड यार, एक तो हेल्थ इतना तेजी से जा रहा है, और भाई बोट को इसी सिचुएशन में आना है बताओ, हद होती है भाई, इस सिचुएशन में क्यों आते हो तुम लोग? तो हम रिवाइव होते हैं गाइस और गाड़ी उठाते हैं और भाई चलते हैं जोन के अंदर। और भाई हम रिवाइव वगैरह होकर हीलिंग वगैरह करके और निकल चुके हैं जोन के अंदर। और भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी का फ्यूल हो जाता है खत्म, तो भाई अब हमें पैदल ही जोन के अंदर जाना पड़ेगा, तो चलते यार क्या ही कर सकते हैं। और गाइस फाइनली मैं जोन के अंदर आ चुका हूँ, तभी सामने मुझे दिखाई दिया एयर ड्रॉप। तभी भाई ये देखो बंदे भी है सामने यार, भाई अभी बंदे उस पार कर क्या रहे हैं, लेकिन जोन भी है उधर, तो इसलिए भाई कुछ कर रहे होंगे। छोड़ो मैं चलता हूँ सबसे पहले लूट करके ऊपर, और मैं लूट करके ऊपर आता हूँ तभी ये देखो ये बंदा मुझे छेड़ देता है बताओ। ये देखो एकदम हेड हेड मारकर उसको मैंने नॉक कर दिया है। लेकिन एक सेकंड भाई, इस बंदे को राइट से किसने मारा भाई, इधर भी कोई बंदा है क्या? अच्छो भाई मैं ड्रॉप टूटने गया और उसने मुझे मारा नहीं, और भाई ये बचा है लास्ट बंदा जो कि भाई गीली सूट पहन कर लेटा हुआ है। ओ भाई आराम से, अरे भाई इसने नॉक कर दिया यार, पहले बताना था भाई कि तुम्हारा स्प्रे अच्छा है, हमको लगा कि हम टेप टेप करके किसी को भी नॉक कर दे रहे थे, तुमको भी मार देते। और भाई यहाँ पे मैं हो चुका हूँ रिवाइव, और भाई जो सामने बंदा है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और यार रोहित मस्ती मत करो यार, ओपन जोन है पूरा भाई, यार रोहित मस्ती मत करो भाई। और तभी भाई ये बंदा स्क्वाड हाउस में कब आ गया, और भाई इसने हमें मार दिया भाई। रोहित भाई अगर रोहित ऐसे रेंडम फायर नहीं करता तो शायद हम लोग वहां पे बच जाते, लेकिन अब क्या कर भाई, रोहित की एक हरकत की वजह से हम वहां पे मर गए हैं, तो हरकत भी नहीं बोल सकते, एकदम ओपन जोन था और हम वहां पे मर गए भाई। तो बस गई आज के इस वाले गेम प्ले वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा और अभी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और गाइस कमेंट में बताओ कि आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो कैसा लगा। और भाई जिस बंदे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब कर लो, और भाई बेल आइकन को कर दो ऑल पे, ऐसे ही तबाही से भरा हुआ गेम प्ले वीडियो देखने के लिए। और गाइस मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ भाई, GTA 5 का वीडियो आ चुका है, तो बिल्कुल आप लोगों को वीडियो मिस ना करें भाई, पूरा एकदम गद्दर गेम प्ले वीडियो बनाया है, तो जाओ देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। और गाइस एक चीज और इम्पोर्टेंट बात भाई, जाओ जिसने भी इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।